हाय फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने जा रहे हैं पूरियों के साथ खाए जाने वाली ये आलू करी की रेसिपी भंडारे स्टाइल में। हम इसमें ना अदरक, ना लहसुन, ना प्याज कुछ नहीं यूज़ करेंगे, बस बहुत बेसिक मसालों से बनाएंगे और स्वाद एकदम भंडारे जैसे आलू करी का आएगा। जब आपके घर में हो सिर्फ आलू तो बनाएं इस स्टाइल में आलू करी की रेसिपी और गर्मा गर्म पूड़ियाँ। सिर्फ 10 मिनट में रेडी हो जाती है ये आलू करी की रेसिपी। ना आपको ज़्यादा चॉपिंग करनी पड़ती है, ना कुछ ग्राइंड करना पड़ता है, बहुत ही जल्दी और बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी रेडी हो जाती है। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। तो हमने एक पैन ले लिया, इसमें हम 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो रहा है जब तक ये हमने कुछ मसाले ले लिए, जिसमें 3 सूखी लाल मिर्च, 1 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून सौंफ और 1 टीस्पून ऐसे कुटी हुई हरी धनिया है। तेल गर्म हो गया है, इसको डाल देंगे। कुटी हुई धनिया आप ज़रूर लें, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। थोड़ी देर इन मसालों को पका लेंगे। अब हमने यहाँ 4-5 कड़ी पत्ते ले लिए हैं, वो डाल देंगे। इससे भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। थोड़ी देर इसको भी पका लेंगे, इनमें से अच्छी खुशबू आने लग जाए। अब हमने यहाँ हींग ली है, इसमें 1 चुटकी हींग डाल देंगे और इसको भी थोड़ी देर तक घुमा लेंगे। बहुत ही जल्दी आप देखने ये रेसिपी बन के रेडी होगी। अब हमने यहाँ 3-4 हरी मिर्च ले ली थी, जिसे बारीक कट कर लिया, वो डाल देंगे। इन सब चीज़ों को हम कुछ सेकंड तक सॉटे कर लेंगे। अब हमने यहाँ 3 मीडियम साइज के टमाटर लिए थे, जिसको ग्राइंड कर लिया। आप चाहे तो कद्दूकस करके या फाइनली चॉप करके भी डाल सकते हैं। इसको भी थोड़ी देर तक पका लिया है हमने। अब हम यहाँ अपने कुछ पाउडर मसाले डाल लेंगे, जिसपे 1/2 टेबलस्पून पाव भाजी मसाला है। पाव भाजी मसाले से इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब हम 1/2 टीस्पून हल्दी डालेंगे, 1/2 टीस्पून हम रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे, आप तीखा अपने हिसाब से रखें। ये 1/2 टीस्पून गरम मसाला है और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है। अगर आपके पास पाव भाजी मसाला ना हो तो आप यहाँ 1 टेबलस्पून गरम मसाला डाल सकते हैं। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर तक पकने देंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून नमक डालेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें नमक, और इन सब चीज़ों को मिला के थोड़ी देर तक भून लेंगे कि सारे मसाले अच्छे से भुन जाए। देखिए, हमने 2-3 मिनट मसालों को अच्छे से भून लिया है, तेल साइड में आ गया है। अब हमने यहाँ 4 बॉयल आलू लिए थे, जिसको हाथों से मैश करके रफली डाल दिया है, और इन सबको मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो ये सब्जी को आप ऐसे ड्राई भी अपने लंच बॉक्स में पराठों के साथ ले जा सकते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है। अब हम यहाँ 1 टीस्पून कसूरी मेथी डाल लेंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास हरा धनिया है तो आप हरे धनिया के पत्ते भी इसमें ज़रूर डालें, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अच्छे से सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब हम यहाँ इसमें पानी डालेंगे, आपको ग्रेवी जितनी थिक चाहिए, थिन चाहिए, आप अपने हिसाब से पानी डालें। देखिए, हमने पानी डाल लिया। अब हम इसको ढक के 2-3 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। हमारा आलू बॉईल और मसाला पहले से पक चुका है, तो 2-3 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। देखिए, हमारी आलू करी की रेसिपी बन के रेडी है बहुत ही कम टाइम में। लग रही है ना एकदम भंडारे जैसी आलू करी की रेसिपी। तो गर्मा गर्म पूरियाँ बनाएं और इसके साथ इंजॉय ज़रूर करें। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। देखिए, देखने में जितनी यम्मी लग रही, खाने में ये उससे भी ज़्यादा टेस्टी थी। बस 10 मिनट में बन के रेडी होते ये आलू करी की रेसिपी। एक साइड हमने आलू बॉयल करे और जल्दी जल्दी अपने मसालों को भुना और रेडी कर ली ये टेस्टी सी रेसिपी। तो बारिश का मौसम चल रहा है, तो आप मेरी ये रेसिपी को गरम गरम पूड़ियों के साथ ज़रूर इंजॉय करें, आपको बहुत अच्छी लगेगी। और जब आप ये रेसिपी ट्राई करो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी आलू करी की रेसिपी कैसी बनी। और ऐसे ही इजी और टेस्टी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। तब तक के लिए बाय।